अगर आप डिजिटली वे में अपने आप को आगे लेकर आना चाहते हैं तो होस्टिंग तो हम बहुत बार खरीद लेंगे, कहीं से भी खरीद लेंगे, लेकिन जो मेन चीज होती है ना, वो हमारा पहचान होता है, वेबसाइट का नाम होता है। जी हाँ, अगर आप एक खुद की वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो देरी मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होस्टिंगर की ओर से बहुत अच्छे खासे आपको डोमेन्स अवेलेबल किए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसको आप आसानी से घर बैठे ही चुटकियों में खरीद सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स के अंदर ही। जी हाँ, होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट के पास जाके आपको मैं एक एक करके दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, जैसे कि .com है, .in है, .xyz है, .store है, .online है, .co.in है, ऐसे ना जाने कई एक्सटेंशंस जो है वो आपको अपने डोमेन के नाम के लिए मिल जाएंगी। तो आप अपनी वेबसाइट का पहले तो नाम सोच लीजिए, जिस नाम से आप अपनी वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर YouTube ने अपना नाम YouTube ना सोचा होता और YouTube.com ना लगाया होता तो आज के समय में YouTube को भी कौन जानता। ऑब्वियसली उसके नाम पहचान YouTube के नाम से ही है। तो इसी तरीके से आपको अपनी खुद की वेबसाइट के लिए जो पहचान देनी होती है वो भी आपके वेबसाइट के नाम से ही होती है। तो वेबसाइट का नाम देने के लिए आपको पहले सोच लेना है कि आपको वेबसाइट का नाम रखना क्या है, और जब आपका डिसीजन हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर चेक भी करना पड़ेगा कि क्या उस नाम से पहले कोई वेबसाइट चल तो नहीं रही है। अगर चल रही है फिर तो लेने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप कुछ और नाम सोच सकते हो। और अगर उस नाम से वेबसाइट कोई भी नहीं चल रही है तो आप इजी वे में कुछ ही चुटकियों में उस डोमेन को परचेज भी कर सकते हो बहुत ही कम कीमतों पर। तो फटाफट से जो है होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट की ओर रुख कर लेते हैं। प्लीज इस वीडियो को आगे शेयर करें अगर कोई भी वेबसाइट को डेवलप करना चाहता है, अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहता है कम से कम कीमत। तो मैं लेकर आ चुका हूँ होस्टिंगर की ऑफिशियल वेबसाइट में, और यहाँ पर आपको कई फीचर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन होस्टिंगर लोगों के बिल्कुल ही सामने आप देखोगे तो 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको डोमेन का एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो डोमेन नेम सर्च के लिए आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको सर्च आइकन मिल जाएगा जिसके ऊपर आप अपने जो भी डोमेन को आप सोच के बैठे हो, जो आपने लेना है, अपने वेबसाइट का नाम लेना है, वो यहाँ पर आपको बताना होगा और उसके बाद सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद आपको होस्टिंगर की ओर से पूरे गूगल से स्वयं सर्च करके रिजल्ट दिखा देगा कि इस नाम से कोई वेबसाइट चल भी रही है या नहीं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है, जैसे कि आपको मैंने थंबनेल में भी बताया है कि मात्र 89 रुपीज़ से जो है आपको डोमेन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आपको .online, .shop जैसे डोमेन जो है वो मात्र 89 रुपीज़ से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर .in जो है वो आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगा, .com 499 रुपीज़ में, और .org 669 रुपीज़ में, और .xyz 169 रुपीज़ में मिल रहा है। साथ में दोस्तों आपको जो है फ्री प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी जो है सभी डोमेन्स के ऊपर देखने को मिलने वाली है। अब मोस्ट पॉपुलर जो एक्सटेंशन होती है दोस्तों .in होती है, .com होती है, .online होती है, और .io होती है। तो .io जो है दोस्तों वो काफ़ी महंगी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप बिल्कुल बजट फ्रेंडली लेना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ इंडिया में ही अपनी वेबसाइट को ज़्यादातर ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं तो .in के साथ जा सकते हैं। .com आप ग्लोबली यूज़ कर सकते हैं, और .online जो आपको मात्र 89 रुपीज़ से जो शुरू हो जाता है तो .online भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कोई भी जो है डोमेन अपनी पसंद का सर्च कर लीजिए। मैं आपको रैंडमली कुछ भी सर्च करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के रूप में। तो दोस्तों मैंने जो है सिंपली म्यूजिक न्यूज़ लिखा है रैंडमली, और सर्च करके देखता हूँ। और आपको जो है वो सर्च करना है जो आप अपनी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ सर्च करने के लिए या फिर एग्जांपल के रूप में दिखाने के लिए सर्च किया है। तो आप देख सकते हो कि musicnews.in जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो इस नाम से जो है मैं कोई भी वेबसाइट नहीं बना सकता हूँ .in के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप और कोई डोमेन लिंक के साथ जोड़ना चाहें, जैसे कि musicnews.tech हो गया, musicnews.network हो गया, musicnews.shop हो गया, ऐसे के एक्सटेंशंस जो है वो आपको दोस्तों मिल जाएंगी, लेकिन ये कोई बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक पॉपुलर जो .in डोमेन है उसके साथ वेबसाइट अगर चल रही है तो आपको इस नाम से वेबसाइट बनाने की कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक ही नहीं करेगी। तो आप जो है किसी और नाम को सोच लीजिए अगर आपको उस नाम से वेबसाइट नहीं मिल पा रही है, तो और कोई ऐसा नाम सोचिए जिससे आपको लगे कि शायद उस पर वेबसाइट जो है आपकी इजीली मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर सोच करता हूँ कृष्णा कांत, ठीक है। तो कृष्णा कांत मैंने रैंडमली सर्च किया दोस्तों, तो कृष्णा कांत के साथ आप देख सकते हो कि .in जो है वो मैच हो गया है और मुझे ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो आप इसको आराम से अपने लिए परचेज कर सकते हो। इसके अलावा .in.xyz.net का भी बंडल आपको मिल रहा है, .tech, .email, .shop, .org, organization, .store, .xyz, .site जैसे कई आपको और भी एक्सटेंशंस मिल जाएंगे डोमेन के। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस नाम के साथ। तो ऐसे ही दोस्तों आपको अपना नाम सर्च करना होता है, जो भी वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं, और उसके बाद जो भी आपको फाइनल लगे, जिसको भी आप परचेज करना चाहते हैं, उसके आगे आपको जो है बाय नाउ पे क्लिक करना है। तो
यहाँ पर सबसे कम जो है डॉट शॉप के साथ मिल रहा है, तो मान लीजिए आपको डॉट शॉप वाला 1800 रुपीज़ वाला लेना है, तो आप बाइनो पे क्लिक करेंगे। बाइनो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है आपको रिडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और तीन जो है दोस्तों सालों के लिए आप जो है यहाँ पर डोमेन को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर और भी एक्सटेंशन हैं जिससे आप अपनी ब्रांड वैल्यू और इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा, या तो ईमेल आईडी या पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं, तो सिंपली गूगल पे आप क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आप क्रेडिट कार्ड से, यूपीआई से, पेपल से, पेटीएम से, नेट बैंकिंग से, कॉइनगेट से जो है पेमेंट कर सकते हैं उनको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप पेटीएम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो पेटीएम का ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, एक साल का रजिस्ट्रेशन उसने मुझे बता दिया कि 89 रुपीज़ का होगा, डोमेन की प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है मुझे फ्री मिल रही है। यहाँ पर आपको अपना पहला नाम, अपना जो आखिर में आपका सरनेम लगता है वो लगाना है, आपका इंडिया का रहेगा 9+91, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालना है, और आपका कंट्री इंडिया रहेगा, स्टेट डाल देना है अपना, स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पर आपको स्टेट डाल देना है, यहाँ पर आपको सिटी डाल देना है, स्ट्रीट एड्रेस, आपका एरिया पिन कोड जो आपको जिप कोड में डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है प्लान डिस्काउंट जो है वो आपको 2810 रुपये का मिल रहा है, टोटल टैक्सेस जो है दोस्तों जो गवर्नमेंट को जाएंगे वो 33 रुपये 64 पैसे है, तो मात्र 122 रुपये 64 पैसे में ये जो डोमेन है दोस्तों वो आपका अपना हो जाएगा। तो कितनी कम कीमत में दोस्तों आपका डोमेन अपना हो जाएगा, 89 रुपीज़ डोमेन की कीमत हो गई, साथ ही में जो है गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स लगा के आपको मात्र 122 रुपये 64 पैसे देने हैं पूरे एक साल के लिए। दोस्तों सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये डोमेन है दोस्तों आपका परचेज हो जाएगा, और इस डोमेन से आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो होस्टिंग आगे खरीद के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर आपको कम कीमत में डोमेन मिल रहे हैं और कैसे उसको खरीद सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें।